सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल और खबरों का आईना दिखाने वाला शायद जैन समाज का एकमात्र चैनल चैनल महालक्ष्मी मूर्ति शाम 8 बजे शनिवार को आपके पास। आज है अष्टमी पावन दिन। सादर जय जिनेन्द्र के साथ। आज एक अच्छी खबर भी है और एक दुख की खबर भी है। दुख की खबर पहले सुनाएंगे, अच्छी खबर के लिए इंतजार कल तक करिएगा। जी हाँ, जब दो भाई लड़ते हैं ना एक घर में बंटवारे के लिए, एक मंदिर में बंटवारे के लिए, तो हमेशा तीसरा ही फायदा उठाता है। ये जैन समाज के साथ हमेशा होता रहा है। चाहे शिखर जी कह दो, चाहे आज जो बात करें केसरिया जी की बात कर दो। अदालत ने कह भी दिया कि जैन समाज का है, पर हम आपस में लड़ने के लिए अधिकार के लिए पहुंच गए अदालत के अंदर और खेल खेल के अंदर तीसरा अब मजे ले रहा है। आज यही हमें चिंता का विषय बन गया है। उदयपुर शहर से 65 किलोमीटर की दूरी पर है ऋषभदेव तहसील, कहते हैं यह केसरिया तीर्थ, हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान का। पहले अदालत में लड़ते रहे अन्य संप्रदाय से, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि जी हाँ यह जैन मंदिर है और जैनों को में रहेगा। बात हो गई, लेकिन वहाँ से जैनों का प्रभुत्व कितना छिनता जा रहा है आज चिंता। कुछ दो दिन पहले आपने ये कुछ फोटो वायरल हो रहे थे जो आप देख रहे हैं कि एक हिंदू बाबा बैठकर वहां पर भवन कर रहा है, हवन कुंड बना के। दो दिन से हम भी जानकारी ले रहे थे, जगह जगह जानकारी, हमने आयुक्त से भी बात करने की कोशिश की हमने, और साथ में कलेक्ट्रेट से भी। कुछ मालूम चला कि 2-3 दिन पहले तक उनको जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन आज सुबह से संपर्क करने पर अभी संपर्क नहीं हो पाया है। जारी रखेंगे संपर्क को। पर बता दें, यहां पर जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं दोनों तरफ अब गज बने हुए हैं, काले रंग के जग के अंदर, उसके आगे एक के अंदर एक स्थायी रूप से हवन कुंड बना हुआ है, जिसमें आश्विन शुक्ल में आते हैं नवरात्र, तब 9 दिन यहां पर आदिवासी जाति के कोई बाबा आकर यहां पर हवन करते हैं 2-3 घंटे। जब 9 दिन चले जाते हैं उसको हवन कुंड को ढक्कन से बंद कर दिया जाता है, फिर 1 साल बाद वह होता है। यह परंपरा वह चला रहे हैं यहां पर। जैन समाज कुछ कहता नहीं है, चलो 2-3 घंटे की बात है, 7 दिन नवरात्र में करते हैं, कर ले, कोई बात नहीं है। लेकिन इस बार इंतहा हो गई। हैरानगी होती है जब यह इस बार तो जो नवरात्र हैं अब चैत्र के उसी दिन से शुरू हो गए और अब तक बदस्तूर जारी है कि आदिवासी बाबा वह बैठा हुआ हवन करने लग रहा है। यह चिंता का विषय है जैन समाज के लिए। चैनल महालक्ष्मी यहाँ के महामंत्री प्रदीप जैन जी से लगातार संपर्क में है, 48 घंटे से लगातार हर घटना के बारे में जायजा ले रहे हैं, जिससे हम आके प्रशासन को बता भी सकें। वह भी कोशिश कर रहे हैं, एक ज्ञापन शिकायत तैयार कर ली गई है, लेकिन आज शनिवार होने का थे, जमा नहीं हुई, कल छुट्टी है, सोमवार को वह शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट के पास जाएंगे। यहाँ पर ताराचंद मीना जी आए हैं नए, वह बहुत आए थे अभी चैत्र कृष्ण नवमी को, यानी जब हमारे प्रथम तीर्थंकर का जन्म और तप कल्याण था, इसी जगह पर आए थे। और यहाँ पर अब चैत्र शुक्ल के अंदर यह इंतहा होने लगी। यह इंतहा एक नहीं, अब 2007 का कांड यहाँ केसरिया जी का सब जानते हैं जैन वाले, इसलिए कहते हैं जैन डरपोक भी है। पर हमने कहा प्रदीप जी आप कैसे हैं, कहते भैया मैं तो बिल्कुल निडर हूँ, प्रिंसिपल रूप से रिटायर हुआ हूँ और मैं बिल्कुल सख्त रहता हूँ। और उन्होंने जो बातें बताई वह हैरान करने वाली है। अब यहां पर तो व्यवस्था ऐसी कर दी है, उस हवन कुंड के अंदर बाकायदा सीमेंट से गाड़ दिया गया है, और आदिवासी जरा सी बात होती है आसपास से इकट्ठे होकर यहां पहुंच जाते हैं। और बाबा यहां पर हमेशा सुबह 7 बजे पहुंच जाता है और 11-12 बजे तक अपना हवन जारी रखता है। आदिवासी लोग आते हैं, 5-10 रुपये देते हैं, 10-20 देते हैं, बाकी जैन यात्री देते हैं, और इससे उसका खर्चा चल रहा है और वह जम कर बैठा है। आपको स्पष्ट कर दें, 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट दे दिया निर्णय कि यह जैन समाज का मंदिर है, हिंदुओं का नहीं है। बस उसके बाद यह भी निर्णय दे दिया कि अब यह श्वेतांबर का है या दिगंबर का है, यह फैसला हम नहीं करते हैं, यह फैसला निचली अदालत करेगी। निचली अदालत ने बाकायदा उसके क्रम में एक सूचना जारी कर दी, और उस सूचना के चलते ना केवल दिगंबरों के साथ श्वेतांबरों के दावे आए, बल्कि हिंदुओं के आ गए, आदिवासियों के आ गए, एक लंबी कतार लग गई अपने अपने दावे के इस ऋषभदेव भगवान के केसरिया ये तीर्थ के ऊपर। और एक प्रकार से जो छोटी सी बात थी वह अब पहाड़ बनकर टूट पड़ी है जैन समाज पर। जी हाँ, एक मुसीबत नहीं है ये, पहले जो भाई भाई लड़ रहे हैं, दूसरा अब आदिवासी आ गए, हवन कुंड लगा के जमा के बैठ गए, त्रिशूल लगा लिया उसके अंदर, और असली बात तो घर के अंदर और मुसीबत है। आपको बताएं इस मंदिर में 18 पुजारी हैं, वैसे 9 ही क्रम से आते हैं, और
एसडीएम की देखरेख में यह मंदिर चलता है और सारे के सारे पुजारी ब्राह्मण हैं। वंश से पहले परदादा, फिर दादा, फिर पिता, फिर बेटा, फिर पोता, पड़पोता, ऐसे ही चलते आ रहे हैं। और अब हालत यह है, वैसे आगे और बता दें, यहां पर इस ऋषभदेव के तीर्थ के अंदर यहां पर आसपास 500 जैन परिवार है, लगभग 2500 की जैन की आबादी है। तो बात कर रहे थे हम पुजारियों की, क्या खास बात है, वह पुजारियों जो अभिषेक पूजा करते हैं ना, और जो जारी सारी यात्री आती है, नौछावा राशि बहुत बड़ी राशि आती है, वह सरकार के पास नहीं जाती है, एसडीएम के पास नहीं जाती है, वह सब इन पुजारियों के भैंस चढ़ जाती है, बहुत बड़ी राशि। और अब उन्होंने क्या एक गुल खिलाया है, यही तो है आप सबके मंदिरों के चेतावनी करने वाली बात। अब उन्होंने कह दिया है कि जिस पूजा का हम अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं मूर्ति की, वह ऋषभदेव नहीं, वह तो हमारे शिव की मूर्ति है। जानते हैं ऐसा कहाँ कहाँ पर बद्रीनाथ में भी यही कहानी हुई थी, अब यहाँ पर दोहराई जाएगी क्या? जो पुजारी यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे हैं, कहते हैं पूजा अभिषेक तो हम करते हैं, इसलिए यह शिव की प्रतिमा है। है मुसीबतों का पहाड़ केसरिया जी में अब जैन समाज पर, क्योंकि बढ़ते हैं ना हम, तो हमेशा इसी तरह की चोटें बाहर से भी पड़ने लगती हैं। जैन समाज किस किस से लड़े, भाई भाई पहले आपस में तो लड़ लें। 2019 में श्वेतांबरों ने दावा ठोक दिया कि प्रतिमा जी तो हमारी है, मंदिर हम लेंगे, जैन समाज दिगंबर नहीं लेगा। सब कुछ जानते हुए भी ऐसे हम करते हैं। उसकी अभी तक एक डेट नहीं पड़ी, 2 दिन पहले डेट पड़ी थी, सुनवाई कुछ नहीं हो पाई, उस डेट पे भी जज महोदय नहीं मिले, तारीख पड़ गई। इनसे लड़े आपस में भाई, अब इस तरीके से बाबा आकर बिल्कुल धूमी लगा के रोज हवन कर रहे हैं। आज सुबह भी प्रदीप जी उनसे मिले बाबा से और कहा भाई ये क्यों कर रहे हो, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। 4-5 आदिवासी आ गए, जरा सा बोलना शुरू करते हैं कि वहां पर लगातार आदिवासी भीड़ आके बखेड़ा करने लगती है, वह चुपचाप निकल आए, यह सुबह की घटना है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी फोन पर सूचना लेती रहती है, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, फोन पर लेने से कुछ नहीं होगा भाई साहब, यहाँ आकर बैठना होगा, कलेक्टर से मिलना होगा, कमिश्नर से मिलना होगा, क्योंकि 3 दिन पहले जो हमने जानकारी ली, मालूम चला कि उन तक कोई सूचना नहीं पहुंची है, शनिवार इतवार की छुट्टी है। अगर तीर्थ क्षेत्र कमेटी अब भी नहीं जागेगी तो क्या फ़ोन पर सोचती है जैसे गिरनार बचा है, क्या इसी तरह इसको बचाने की कोशिश करेंगे? हमने प्रदीप जी से बात करी तो ज़रा सुनिए, उसका एक छोटा सा अंश आपको भी सुनाते हैं, जो यहाँ के महामंत्री हैं और बारीकी से अब 3-4 दिन से सुबह अभिषेक पे आते हैं, यहाँ बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। अपनी जो पेड़ी बनी हुई है दिगंबर जैन तीर्थ रक्षा कमेटी की, हाँ हाँ, और हम सब लोग अभी बैठे हैं यहाँ पर जी। तो हुआ क्या है कि वो मंदिर के नीचे एक कुंड बना हुआ है, पहले का बना हुआ है कुंड, पहले का बना हुआ है अभी जी। और जब भी नवरात्रि होती है, 9 दिन पे जो लोग आदिवासी लोग यहाँ पर इसमें नवरात्रि का कार्यक्रम करते हैं। हाँ, नवरात्र में सुना है बात, ठीक है ठीक है ना। अब क्या हुआ, अभी इन्होंने अभी दूसरा नवरात्र आता है और के उसमें भी ये लोग जबरदस्ती इसको खोल करके ना इन्होंने हवन का काम चालू कर दिया। अच्छा, और उसके बाद वो भी खत्म हो गया फिर अभी, और इन्होंने क्या किया कि ऊपर एक बड़ा चिटिया सीमेंट से फिक्स कर दिया। क्या कर दिया? त्रिशूल, और एक चिमटा आता बड़ा था, वो चिमटा अंदर डाल करके और सीमेंट से फिक्स कर दिया। और एक बाबा जो आदिवासियों के जो बाबा होते हैं संत, हाँ, आदिवासी लोगों के जो बाबा होते हैं संत, वो वहाँ बैठ करके और हवन करने लग गए। ये कब से कर रहे हैं? ये कर रहे हैं तो नवरात्रि से कर रहे हैं, लेकिन नवरात्रि तो खत्म हो गया अभी, उसके बाद भी कंटिन्यू चालू कर, जबकि दूसरे नवरात्रि में होता नहीं है, साल में एक बार ही नवरात्रि पे होता है हमारे, वो जो दशहरा के समय आते हैं। हाँ हाँ, बस वो उसमें अभी इन्होंने और कर दिया। अब फिर हमको भी पता लगा, हम डेली मंदिर जाते रहे, पेड़ी बिल्कुल मंदिर के जस्ट पास में जी, समाज की तीर्थ रक्षा कमेटी की पेड़ी अपने यहाँ पास में ही है। एक ही बाबा आते हैं, कोई और ही दूसरा आता है, वहाँ बैठता है, ये बदलते रहते नहीं, हैं? एक के बाद बदलते रहते हैं, इन्होंने प्लान बंद योजनाबद्ध तरीके से एक 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 को बुलाते हैं ये लोग, मतलब यहाँ पर ऐसा कर दिए रोज, आज एक का नंबर है, कल दूसरा आएगा, परसों तीसरा आएगा, इस तरह से। तो पैसे मांगते हैं लोग जो आते हैं यात्री, उनसे वो पैसा देते हैं, आदिवासी लोग आते हैं वो पैसा इकट्ठा करते हैं, मतलब यहाँ पे हमारे जो यात्री उनसे पैसा ये ले लेते हैं, मतलब हाँ पैसा वो बाबा लोग लेते हैं। कल और परसों 2 दिन तीर्थंकर एक और कल्याणक 3 आएंगे। जी हाँ, कल 24 अप्रैल 11 माह के कठोर तप के बाद राजगृही में चंपक वन में नील वृक्ष के नीचे, जब हमारे 20वें तीर्थंकर महामुनि रूप में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, सौधर्म की आज्ञा से कुबेर 2.5 योजने 30 किलोमीटर विस्तार के समोषण की रचना करता है, और आपका केवली काल 7500 वर्ष में से
11 माह कम यानी 7499 वर्ष एक माह का है। और अगले ही दिन यानी फिर बैसाख कृष्ण दशमी को है आपका जन्म और तप कल्याणक। जिस दिन आप धरा पर आते हैं आपकी आयु 30,000 वर्ष की थी, 15,000 वर्ष आपने राज भी किया, फिर एक दिन जाति स्मरण से आपको वैराग्य की भावना होती है और आप दीक्षा के लेकर विन में पहुंचे जाते हैं। बोलिए 20वें तीर्थंकर के कल और परसों आ रहे पहले ज्ञान कल्याणक और फिर जन्म तप कल्याणक की जय जय जय। फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह और फिर कल सुनवाएंगे आपको शाम को 8 बजे एक खुशखबरी, कैसे हुई गोमटगिरी में जैन समाज की जीत। सादर जय जिनेन्द्र।